नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। हिमाचल में चुनावी नतीजे आने से पहले ही कांग्रेस में अंदर खाते मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर घमासान छिड़ गया है। प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज, खासकर सीएम बनने के इच्छुक नेता एक एक कर सभी दिल्ली पहुँच रहे हैं और राष्ट्रीय नेताओं से संपर्क बढ़ाने में जुटे हैं। ऐसा लग रहा है मानो कांग्रेस को चुनाव जीतने की नहीं बल्कि मुख्यमंत्री की ही चिंता रह गई है। प्रदेश में चुनावी नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। कांग्रेस एक पखवाड़ा पहले ही सीएम के लिए माथा पच्ची में जुट गई है। राजनीति के जानकार इसे कांग्रेस की जल्दबाजी और ओवर कॉन्फिडेंस बता रही हैं। सबसे पहले कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर दिल्ली गए। इनके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, फिर कर्नल धनीराम शांडिल, फिर चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंद्र सिंह सुक्खू, अब कौल सिंह राठौर और मुकेश अग्निहोत्री भी दिल्ली पहुंच गए हैं। अग्निहोत्री और सुक्खू के दिल्ली जाने से राजनीति खूब गर्मा गई है। हिमाचल में यदि कांग्रेस को बहुमत मिलता है तो राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा, यह निर्णय पार्टी हाईकमान ही करेगा। यही वजह है कि सीएम बनने के इच्छुक नेता राष्ट्रीय नेतृत्व से मिलकर अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। आने वाले दिनों में दूसरे नेता भी दिल्ली का रुख कर सकते हैं। बेशक कांग्रेस की ओर से नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंद्र सिंह सुक्खू, ठाकुर कौल सिंह, आशा कुमारी, रामलाल ठाकुर और कर्नल धनीराम शांडिल सीएम की रेस में अग्रिम पंक्ति में बताए जा रहे हैं, लेकिन इनमें से एक दो के चुनाव जीतने पर संशय बना हुआ है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।